come, which of the amine is prepared from the Gabriel thalamide synthesis? Gabriel thalamide synthesis hai kya? It is the one of the method of the preparation. It is the preparation. Kiski preparation hai? That is the preparation of primary aliphatic amine. हम इस मेथड से प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को बना सकते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी आर यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस तो हम लोग क्यों यूज करते हैं? दिस क्वेश्चन कैन कम. सो व्हाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और रिएक्शन इज यूज्ड. Reaction is used, or the question can come, write note on Gabriel thalamide synthesis. तो हमारा जो question है that can be कि हमने इस पे एक छोटा सा note लिखना है, या फिर कौन सी ऐसी amine है जिसे आप Gabriel thalamide synthesis से बना सकते हैं, and why we are using Gabriel thalamide reaction, why we are using ethanolic potassium hydroxide in Gabriel thalamide synthesis. So बहुत सारे ऐसे questions हैं कि कौन सा amine बनता है, हम लोग Gabriel thalamide synthesis क्यों use करते हैं, एक शॉर्ट नोट लिखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, या फिर इथनॉलिक KOH क्यों यूज किया जाता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में. और द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस. क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि राइट और कंप्लीट द रिएक्शन. कंप्लीट रिएक्शन, हमने रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है, एंड हमारे जो इक्वेशन है That is, इस तरह से भी लिखा जा सकता है. और डायरेक्ट हमें बॉन्ड इक्वेशन भी हो सकती है, प्लस इथेनॉलिक KOH व्हाट इज द प्रोडक्ट, ऐसा भी हो सकता है, या फिर लिखा जा सकता है दैट इज थैलेमाइड टू प्राइमरी एमाइन. राइट इक्वेशन, इक्वेशन लिखिए, ठीक है. सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चन व्हिच कैन कम ऑन दिस टॉपिक. तो लेट सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ये है क्या? इट इज द वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन. दिस मेथड इज बेस्ट ओवर द अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. Because in ammonolysis of alkyl halide, we are getting the mixture of primary, secondary, tertiary amine with the quaternary ammonium salt. But Gabriel thalamide synthesis, jo hai, that from that reaction we will get the pure primary amine in good quantity. So, iske liye jo Gabriel scientist ka naam hai, and we are using thalamide here. Thalamide is tarah ka हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दिस व्हाट वी आर हैविंग दी, ये क्या है? थैलेमाइड. दिस इज दी थैलेमाइड जिसे हम किसके साथ यूज करेंगे? दैट इज इथेनॉलिक KOH के साथ. वी आर यूजिंग इट विद इथेनॉलिक KOH, एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें क्या मिल जाएगा? वी आर गेटिंग दी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड. तो यहाँ पे पहले हमने इस तरह से थैलेमाइड बनाना है बेंजीन रिंग के, और तो और मेटा पोजीशन पे हमने कार्बोनिल ग्रुप दो बार लगाना है. देन व्हाट वी आर हैविंग द NH, ये थैलेमाइड है. एंड अब हम यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट किस तरह से आया, हाउ इट केम? तो एज वी नो दैट दिस हाइड्रोक्सिल आयन विल गेट द नेगेटिव चार्ज, दिस पोटेशियम विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. Same we are getting with the NH. The nitrogen is highly electronegative, will attain a negative sign, and a proton will attain a positive sign. So K
क्या हो जाएगा, दिस के विल रीच टू एन एंड दिस एच विल रीच टू ओ एच. सो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड व्हाट वी आर हैविंग दैट इज दी दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइट. तो यहां पे हमें पोटेशियम सॉल्ट मिल गया. नाउ दिस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल. व्हाई इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ये जो पोटेशियम है इट इज इजीली हाइड्रोक्सिल आयन को लूज कर जाएगा एंड वी विल गेट दी अ वेरी गुड वेरी गुड. क्योंकि एक तो पोटेशियम को और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, उसका अपना आर्गन जैसा एकदम ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. दैट इज व्हाई नाउ दिस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड इज वर्किंग एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल. तो ये किसका काम कर रहा है, दिस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम और एटम विच इज रिच इन द इलेक्ट्रॉन. एंड देन यहां पे एल्काइल हैलाइड आ जाएगा. एल्काइल हैलाइड हम अमोनोलिसिस में भी अमोनिया के साथ, जहां पे जो नाइट्रोजन है दैट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे एल्काइल हैलाइड के साथ. और कौन सा एल्काइल हैलाइड लेना है हमने, दैट इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही लेना है. एंड व्हाट वी आर गेटिंग एज वी अभी मैंने बोला कि ये जो पोटेशियम है इसका तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है. तो यहाँ पे फिर से अगर बॉन्ड क्लीव होता है तो इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज. दिस नाइट्रोजन विल बी अटेन क्या हो जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव, और इसीलिए बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है. एंड वी नो दैट जितने भी हैलोजेंस हैं आइदर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन आयोडाइन दे आर वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस एल्काइल ग्रुप विल अटेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो दिस नाइट्रोजन विल अटैक ऑन किसके ऊपर अटैक करेगा या किसको ले लेगा, एल्काइल ग्रुप को. एंड व्हाट वी आर लूजिंग हियर दैट इज पोटेशियम हैलाइड. तो यहाँ पे क्या आउट हो जाएगा, दैट इज पोटेशियम हैलाइड. सो हमारे पास इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है, वी आर गेटिंग एन एल्काइल थैलेमाइड. ये क्या मिल जाएगा, थैलेमाइड है एज इट इज ही रहेगा. नाइट्रोजन के साथ अब आर आ गया है, जो भी हमने पेरेंट एल्काइल ग्रुप लिया होगा वो यहां पे आ गया. तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज एन एल्काइल, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, एन एल्काइल थैलेमाइड. एन एल्काइल थैलेमाइड. अब ये जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया है, इसका या तो हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे या फिर हम लोग किसी बेस के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे अंडर द प्रेशर. तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें जो क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग इज सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड. यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड हमें मिल गया है. अलोंग विद दैट हमें क्या मिला, दैट इज दी आर एन एच टू. वी आर गेटिंग दी प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन. सो ये मेथड जो है इस तरह से लिखा जाएगा, और ये हमारा थैलेमाइड है जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी अच्छे बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. देन दिस विल पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड विल एक्ट एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल रिएक्ट विद द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ओनली, बिकॉज जो हमारे एराइल हैलाइड है ये तो एल्काइल हैलाइड के साथ है. हम एल्काइल हैलाइड जो है वो बहुत जल्दी जो है बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो जाएगा, जबकि हमारा जो एराइल हैलाइड है वो इजीली क्लीव नहीं होता, बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है किस तरह से एराइल हैलाइड
या हेलो एरीन्स आर वेरी स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एंड द बॉन्ड इज शॉर्टर एंड इट इज लेस और मोर टेक अ मोर टाइम टू ब्रेक. तो इसीलिए एराइल हैलाइड इस रिएक्शन को नहीं देती है. वी कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक एनिलीन और एरोमेटिक अमाइन फ्रॉम दिस मेथड इजीली बिकॉज दे नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस फॉर दैट. बिकॉज जो हमारा एराइल हैलाइड है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू. यहाँ पे हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिलेगा. लेट्स सी विद वन एग्जांपल. तो अगर हमारे पास इस तरह से रिएक्शन आता है कि इसका प्रोडक्ट लिखिए, तो प्रोडक्ट में आप सीधा ही जो भी हमें एल्काइल दिया होगा वो प्राइमरी अमाइन हमारा बन जाएगा. लेट्स सी दैट कि क्या और किस तरह से हमने प्राइमरी अमाइन बनाना है. पहले तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा एमाइन बनता है, तो एमाइन कौन सा बनता है, दैट इज द प्राइमरी एमाइन. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कौन से एमाइन देता है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कौन सा एमाइन देगा, वी आर गेटिंग द प्राइमरी एमाइन. और कौन सा प्राइमरी, दैट इज एलिफेटिक. और एल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, एल्काइल हैलाइड कौन सा हमने यूज करना, दैट इज आल्सो प्राइमरी. तो वो भी हमने, अगर हमें रिएक्शन इस तरह से आता है कि हमें कंप्लीट करना है रिएक्शन, तो हमने ये थैलेमाइड ले लिया है, इसको इस तरह से लिख के अगर बोला जाता है कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज अल्कोहल इथेनॉलिक. हम यहाँ पे इथेनॉलिक KOH लिख लेते हैं एंड देन वी आर मेकिंग अ पोटेशियम सॉल्ट. हम इसका इस तरह से पोटेशियम सॉल्ट बना लेंगे विदाउट राइटिंग एनी मैकेनिज्म. हम मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं और यहाँ पे हम इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ही रिएक्ट करवाएंगे. यहाँ पे हमारा जो है एक पोटेशियम हैलाइड बाहर निकलेगा, यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा एंड देन वी आर गेटिंग एन एल्काइल थैलामाइड. हम कोई मैकेनिज्म भी अभी कोई मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं एंड दैट इज आर. और इसके बाद हम सिंपल एच मींस आइदर वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस विद एसिड और वी आर डूइंग हाइड्रोलिसिस विद बेस. तो डायरेक्ट नाउ व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड along with we are getting the primary amine. तो ये हमारा complete reaction था. अगर हमें question आता है कि complete the reaction और इसमें हम एक example ले लेते हैं. Let's see that इसी को हम example के साथ कर लेते हैं कि यहाँ पे हम specify कर लेते हैं. ये चीज तो common ही रहेगी. यहाँ पे जो मैंने लिखा था यहाँ पे हम specify करते हैं कि we are taking C2H5 and Cl ले लेते हैं. हमने specify कर दिया कि we are taking the इथाइल क्लोराइड. तो क्योंकि और मुझे प्राइमरी ही लेना है, जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी ही होना चाहिए. तो फिर X की जगह पे हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं कि we have to remove the KCl. KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, R की जगह पे what we are having, बाकी तो सब सेम रहेगा, C2H5 आ जाएगा एंड रेस्ट ऑल द कंडीशन विल रिमेन सेम. कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओनली वी हैव टू चेंज हियर द इथाइल ग्रुप. So that is here we are getting the कौन सा primary amine मिला हमें. अगर इसका हम common name लिखते हैं तो what is the common name, that is ethyl amine. और अगर IUPAC name लिखते हैं तो that is ethane. E को remove करके what we will write, the ethane amine. ये common name है और this is the IUPAC. इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं कि इधर राइट ए शॉर्ट नोट, वो भी लिख के दिखाया कि किस तरह से थैलामाइड से प्राइमरी एमाइन बनते हैं. हमने लेना भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही है. ये मेथड सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन देगा और हमारे ये हम लोग इस मेथड से एरोमेटिक एमाइन या एनिलीन नहीं बना सकते. तो रीजन है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, रीजन दैट कि जो एराइल हैलाइड्स है, एराइल हैलाइड्स
एराइल हैलाइड कैसा होगा और हैलो एरीन जिसे कहते हैं, ये इजीली क्या नहीं होता, इसको बहुत स्टेबल है, इजीली रिएक्ट नहीं करता, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि ये कैसा है ड्यू टू दी रेजोनेंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहां पे हो जाता है और जो कार्बन एंड बॉन्ड है दैट इज डबल बॉन्ड shorter, not easy to break, not easy to break, and the hybridization of carbon is sp2 and that is why it is more stable. तो ये कुछ conditions हैं why the aryl halides are not reacting with the potassium salt of thalamide.